हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं का व्यवसाय का अध्ययन आदिवासी परीक्षा 2021-22 के दोस्तों बहुत सा पेपर है। दोस्तों, वो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आपके सभी विषयों के प्रकार ये पेपर डाले थे। तो चलिए हम आपका पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके देख सकते हैं सही विकल्प हैं। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से देखना है। अगर आप वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, अगर आपके कहीं ऑब्जेक्ट छूट जाते हैं तो आप ही नंबर कट सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट आपके दिखा दिए हैं। आप यहाँ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, जब मैंने दोस्तों पीडीएफ बनाया है आपका क्लियर पेपर का, तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं उसमें आंसर भी डाल दूँ। तो दोस्तों मैंने आंसर भी डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिक्तस्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान 5 नंबर के हैं और दोस्तों उसके आंसर भी दिए गए हैं। मैंने दोस्तों आपकी बड़ी मेहनत से आंसर भी दिला दिए हैं, जिससे आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। तो वीडियो को लाइक कर देना है, बड़ी मेहनत से बनाया है आपके लिए। फिर आपके यहाँ पर तीस नंबर में आते हैं सत्तर सत्तर। तो आप सत्तर सत्तर देख सकते हैं। सत्तर असत के दोस्तों मैंने आंसर भी आपको दे दिए हैं, अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। 5 नंबर के यहाँ पर सत्तर सत्तर हैं। फिर आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं, आप देख सकते हैं। आपके दोस्तों ये 5 5 नंबर के हैं ऑब्जेक्ट, आप अच्छी तरह देख लीजिए। आप वीडियो पूरा देखना दोस्तों। आप जब भी आपको पेपर देने जाएंगे तो दोस्तों आपको जब भी पेपर मिलेगा तो वो आपको यही पेपर मिलने वाला है। पेपर में वो को आपको यही पेपर मिलेगा तो दोस्तों आप इस पेपर को देख कर वो खुश हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आते हैं निम्न प्रश्नोत्तर 1 वक्त में दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके 5 हैं और दोस्तों 5ों के मैंने आंसर यहाँ पर दे दिए हैं और 5 नंबर के हैं आपके। तो अच्छी तरह देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से देखते जाना है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं देखते हो, आपको कुछ छूट जाता है, तो दोस्तों आपके नंबर कट सकते हैं। तो वीडियो पूरे देखना है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सही जोड़ी बनाइए, तो आपको सही जोड़ी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम अ ब में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो मैंने उसके आंसर भी यहाँ पर दे दिया है। तो आंसर अच्छी तरह देख लीजिए और जोड़ियों को मिलान कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आगे वीडियो में खंड ब आता है। आप जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन नहीं डाला है। तो आप क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको कमेंट करना है तो मैं दोस्तों जब भी आपका सोल्यूशन डलेगा तो आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं अति लघु प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आया तो दोस्तों उसके हाथों में एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपसे बनता है, आपको वही पहले करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा देना हर क्वेश्चन के। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया जो आपसे बनता है, आपको वो करना है दोस्तों। आपको वो क्वेश्चन पहले करना है जो जिसमें आपको कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप बड़े क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर आपका पेपर नहीं हो पाता है। तो आपको वह क्वेश्चन पहले करना है जिसमें कम लिखना पड़े। फिर आपके यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो यहाँ पर 11वां 12वां 13वां पर लघु उत्तरीय प्रश्न है और क्वेश्चन के अथवा दिया गया है। तो आपको अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट खालते जाना है। आप अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट खालते जाइए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वो रियल पेपर है। मुझे बड़ी मुश्किल से आपका रियल पेपर मिल पाया है। तो आप अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट डालते जाइए। यहाँ पर आपका 13वां है 14वां है। फिर आपके 3 3 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं। फिर आपके यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं आप 15वां 16वां 17वां। तो आप देख सकते हैं कि आपके आपके प्रश्न दिए गए हैं 15वां 16वां 17वां। तो आपको अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट डाल लेना है। मैंने दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही साफ बनाया है, जिससे आप अच्छी तरह से देख सकें। तो आपको स्क्रीन शॉट डालते जाना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपके 18वां 19वां 20वां आता है। तो यहाँ पर ये 4 4 नंबर के प्रश्न है। आपको 4 4 नंबर के दोस्तों प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे आपके नंबर बढ़ते हैं और दोस्तों इसमें 4 4 नंबर में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप 2 नंबर प्रश्न छोड़ देते हो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 20वां 21वां 22वां 23वां भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आपको इन्हें अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट खा लेना है। यार प्लीज़ दोस्तों यार वीडियो को लाइक कर लेना, बड़ी ही मेहनत से बनाया है वीडियो आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 24वां 25वां भी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके यहाँ 5वां नंबर के प्रश्न हैं, आपको इन्हें पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है। वो यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, आपको यही पेपर धरा मिलेगा आपकी परीक्षा में। इस तरह से दोस्तों आपका पूरा पेपर होता हुआ। अगर दोस्तों आपको कहीं भी रह गया हो तो मैं चलिए पीछे दिखा देता हूँ, थोड़ी स्पीड में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको कहीं भी रह गया हो तो आपको वीडियो रोक कर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट उठा लेना है।
और वीडियो को लाइक कर लेना यार। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना है और सिनेरियो को सच्चाई करना है। अगर आप सिनेरियो को सच्चाई करते हैं तो जब भी सोल्यूशन डलेगा तो आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन पहुँच जाएगा। तो सिनेरियो को सच्चाई कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको पहले फिर से दिखा देता हूँ, आप देखते जाइए अच्छी तरह से। जहाँ भी आप करा गया हो तो आपको वहाँ पर रुक कर अच्छी तरह से स्क्रीन उठा लेना है और आपको पूरे प्रश्न का अच्छी तरह से देखना हो, स्क्रीन उठा लेना है। तो आपका और सब्जेक्ट की परीक्षा भी आगे होने वाली है, तो मैं आपको और सब्जेक्ट पेपर भी इस चैनल पर रियल पेपर अपलोड कराऊंगा। अगले वीडियो मिलते हैं।